ये गाइस तुम लोगों को पता है गगन भाई ने रोजा रखा है। पर गगन भाई तो मुस्लिम नहीं है ना, तो गगन भाई ने रोजा क्यों रखा है? हाँ चलो चलो पता करते। गगन भाई आपने रोजा क्यों रखा है? अरे तुम लोगों को कैसे पता चला मैंने रोजा रखा है? वो सब छोड़ो, बट आपने क्यों रखा है वो बताओ। तो रोजा रखने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले तो रोज़ा और फास्टिंग जो रमज़ान में है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। जब ही प्रॉफिट आए पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो तभी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं दे रहे थे, वो हम सब के लिए दे रहे थे। देखो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भूखे लोग हैं और हम लोग भी उस जगह पे हो सकते थे, लेकिन हमें हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलती है, खाना टाइम टू टाइम मिलता है और फिर बाद में सब पानी, हमें सब तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो रोज़ा में फास्टिंग रखने से हमें हर चीज़ की समझ आने लगती है, हमें हम एक एक जो अन्न का दाना हम खाते हैं वो फास्टिंग करने से हमें उसकी वैल्यू पता रहती है और हम वो चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। लेकिन ये सब तो मुसलमान करते, आप क्यों करते? देखो धरती पे जब भी ज़रूरत पड़ी है लोगों को तो निसर्ग जो एनवायरनमेंट या फिर नेचर है उन्होंने हर एक ऐसे महापुरुष भेजे हैं हमारे गाइडेंस के लिए। तो ये महापुरुष नेचर ने कोई धर्म से नहीं भेजे थे, ये जो धर्म बनाया ये हमने बनाया है, वो महापुरुषों का कोई धर्म नहीं था। वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो सबको आने वाले घड़ी में प्रिपेयर होने के लिए दे रहे थे। आने वाला टाइम बहुत ही भयानक होने वाला है हम सब के लिए, प्रलय आ रहा है। जैसे आपने देखा कोविड में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी और आगे चल के ये टाइम और भी भयानक होने वाला है। तो जो प्रॉफिट जो आए थे उन्होंने जो रमादान के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुम्हें इस तरह से फास्टिंग करना है, ये करना है, तो वो आने वाले टाइम में प्रिपरेशन के लिए दिए थे ताकि आने वाला जो टाइम है वो हम आसानी से काट सके। तो इसमें इधर हिंदू मुसलमान इसका कोई लेना देना नहीं है, रमादान में फास्टिंग करना वो सभी के लिए है। हाँ तो ये फास्टिंग करने से क्या होता है? देखो जब भी हम लोग सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग करते हैं हमारे बॉडी एक मैकेनिज्म, एक मशीन की तरह काम करती है, उसको एक हेल्दी ब्रेक्स देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। साइंटिफिकली प्रूवन है फास्टिंग इज़ वेरी इफेक्टिव हमारे हेल्थ के लिए। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी को एक आदत पड़ जाती है कि थोड़ा पॉज लेने का, क्योंकि खा खा के डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी कंटिन्यूसली फंक्शनिंग होते रहती है। तो जब भी हम लोग फास्टिंग करते हैं और एक महीने के लिए पूरा फास्टिंग करते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिन्यू होती है और एकदम अच्छे तरीके से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करती है। पर रमजान में क्यों आप पूरे साल फास्टिंग कर सकते हो? डेफिनेटली फास्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें पूरे साल भी करना चाहिए, लेकिन रमादान का जो महीना है वो इस तरीके से चूज़ किया गया है कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा फास्टिंग में वो टाइम पे होता है। रमादान इज़ अ वेरी होली मंथ और जो भी प्रॉफिट आए थे पीस बी अपॉन हिम जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि फास्टिंग ऐसा करना चाहिए, रमादान में ऐसा करना चाहिए, वो एक डिवाइन पावर के साथ आए थे इस धरती पे हमें गाइडेंस देने के लिए। और अगर हम लोग वो मंथ में करते हैं तो हमें इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होती है और वो फ़ायदे के साथ साथ वो प्योरिटी के साथ हम लोग जो फास्टिंग करते हैं उससे हम लोग जो दुआ नेचर से या फिर भगवान से आप जो भी बोलो मांगते हैं वो हर एक दुआ हमारी कबूल होती है। तो आप क्या दुआ मांगते हैं भगवान से? देखो हमारा जो देश है वो उसका डेवलपमेंट
रुक गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के वजह से, जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हम बहुत सालों से ब्रिटिश आके हमें टिचकी लगा के गए थे, हमें झगड़ा करा के गए थे, वो आज भी हम लोग उसकी वही चीज़ का हम लोग विक्टिम बने हुए हैं। और उसके वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट बहुत टाइम से रुका पड़ा है। सारी पब्लिक डेवलपमेंट को छोड़ के हिंदू मुस्लिम इसके पीछे ही दंगा फसाद झगड़े करने में लगे हुए हैं। तो मैं एज अ नॉन मुस्लिम फास्टिंग करके पूरे भारत में ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि देखो, अगर एक नॉन मुस्लिम रमज़ान में पूरे 30 के 30 दिन फास्टिंग कर सकता है, तो फिर एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ यूनिटी है हम सबके लिए कि हमें आगे चल के सबको एक होके काम करना है और हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। हर धर्म जो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमें प्यार करना सिखाता है। कोई भी किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि तुम इसको मारो या फिर ये धर्म को तुम लोग खराब बोलो या फिर ये धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। ये जो चीज़ें हैं, झगड़े लगाना, ये इंसान के कमियों के खामियों के कारण, करप्ट माइंड के कारण, कुछ पॉलिटिशियंस के कारण ये सब झगड़े होते रहते हैं। तो मैं रोज़ा रखा हूँ, इसीलिए मेन मतलब मेरा ये दुआ है, अल्लाह बोलो या ईश्वर बोलो उनसे, कि जो भी हमारे भारत में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और हिंदू और मुस्लिम एक भाई की तरह हमारे देश में रहने लगे, कि जिससे सब लोग खुशहाली से रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू फॉलो हिंदुज़म फॉलो करो, आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम इस्लाम फॉलो करो। किसी को भी ये धर्म के वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। और हम लोग मेरे रोज़ा रखने से मैं ईश्वर को और अल्लाह को दुआ मांगूंगा कि ये जो हमारे प्रॉब्लम है देश के, ये सारे ख़त्म हो जाए और हम एक एज अ देश, एक यूनाइटेड देश डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़े, सब मिलके आगे बढ़े और हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बने और पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन के दिखाए। हमारे सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए, हमें पता है हम हिंदू का दौर से गुजर रहे हैं और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें भटकाने के लिए तैयार है। कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं मुसलमान गलत है, लेकिन हमें ध्यान देना है और हमें ये समझना ही है कि सब धर्म हमें प्यार करना ही सिखाते हैं। और हमें अगर आगे बढ़ना है और हमें अपना देश सुजलाम सुफलाम करना है, तो हमें सब एक होके सबको एक होना पड़ेगा और ये जो झगड़े हैं ये सब मिटाने होंगे और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। जय श्री राम, जय जय भारत, हम सब एक हैं। साल नहीं है गवर्नमेंट भाई का फास्ट छोड़ने का टाइम आ गया है, जिसे इफ्तारी के लिए हम सब आज गवर्नमेंट भाई के लिए बड़ा पाव और पानी लाए, अभी हम सब साथ चलेंगे इफ्तारी बनाएंगे। तो खाने के पहले हमें हर जो निवाला है उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि हमें खाना मिल रहा है, हमारा किसी इतना अच्छा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर एंड दिस फूड दैट वी हैव टुडे हियर। रमादान।